सरकार ने राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बनाई है ताकि मृतक के परिवार को 20,000 रुपए की तत्कालिक आर्थिक सहायता मिल सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि भदोही जनपद सुरिया ब्लॉक के चकवैती गांव में निवासी कैलाश मुसहर की एक साल पहले मौत हो जाने के बाद भी उनकी पत्नी असहाय गीता देवी को इस योजना का लाभ न मिलने से उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये दिक्कत बा कि मरे पर विराम भन जब नरेगा खट के आए प्रधान से फार्म भरवावा तोहे फार्म भर देते मरे वाला आदमी के तोहरे 20,000 रुपया तोहे मिले और तोहे कुछ आराम हो जाए लड़की लड़का खाए पिए हो जाए कर्जा ऋण दवाई जाए और मरे पर मैं मिलबो ने कि 20,000 रुपया ऐसे प्रधान कहे कि भरवाए न भाई तक ले साल भर हो गया मिला ना पेंशन पेंशनो ना मिला। अब कर्जा हम सूत ब्याज भरत है जेकर कर्जा ले है 7,000 रुपया अब खट खट के भरत है कबो खाए को मिला तो कबो ना जेकर खटे है तू दे ही पटवाई ही दे ही हमें कैसे तार खर्चा बचा चला था खर्चा बचा ही है चला था है क्यों गोबर पाथा था है क्यों गालू निरावत है क्यों गालू गोड़त है क्यों बजड़ी काटत है क्यों धान काटत है एक दिन मौका नहीं मिला था हमें बैठे डॉक्टर कितना कर रहे हैं पैसा में दवाई हुई थी 20,000 रुपया दे दे हो तो नहीं दवाई बढ़िया हो गया बच गया हाँ तब बच जा 20,000 रुपया 10,000 गांव में लहाई ले 10,000 नरेगवा वाला मिल गया हो तुम्हार तब हम अपन मिक्सर का 20,000 अपन दे दे कर्ज लेके दवाई करावत गए ओकर में है मतलब 7,000 ले कर्ज दवाई कराए वो अपन पटावत है अब ओकर न ठके देला है खाए भी न मरत है अब करे बाद में अब कौन न पेंशन है बना रहता है न सरकारी कौन योजना मुख्य मिला तो 10-20,000 दखा मिल भी रहा सरकारी। मैं चाहता हूँ कि गीता देवी को परिवारी लाभ योजना का लाभ मिले जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि सुरिया ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर 94-54-46-51-25 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि गीता देवी को परिवारी लाभ मिल सके। मैं अनिल कुमार भदोही उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।